वेशभूषा किसी परिचय का मोहताज नहीं, रावण दशानन लंकेश्वर रावण। किंतु रावण इतना घमंडी, इतना अभिमानी, इतना अत्याचारी क्यों और कैसे बना? इसके पीछे भी उसकी मां की एक महत्वाकांक्षा, उसके नाना माली सुमाली और माल्याराम की लालसा। कुबेर ने जब लंका विजय की तो समस्त देवताओं ने मेरे नाना माली सुमाली और माल्याराम को पाताल भेज दिया। राजपाट की लालसा उन्हें लंका वापिस लेकर आई। लंका आए, लंका का वैभव देखा, परंतु मन से वो लालसा नहीं जा पाई। बहुत उपाय किए किंतु अंत में उन्हें एक ही उपाय सूझा और वो था मेरा, यानी ब्रह्म राक्षस दशानन लंकेश्वर रावण का जन्म, जो था तो एक राक्षस कुल का, परंतु उत्पन्न हुआ महर्षि विशर्वा और मां कैकेयी के संबंध से। एक समय जब मेरी मां मेरे पिता महर्षि विशर्वा के पास गए तो उन्होंने कहा कि पुत्र तो तुम्हें होंगे परंतु बहुत अत्याचारी, दुराचारी और अनाचारी प्रवृत्ति के होंगे। प्रथम पुत्र दशग्रीव दशानन दशकंदन रावण का जन्म हुआ। तत्पश्चात पूर्व जन्म में अनिमेदन के नाम से प्रसिद्ध मेरे अनुज कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके बाद विभीषण और फिर मेरी सबसे प्यारी सबसे लाडली जिसे आप सब श्रोपनखा के नाम से जानते हैं। उसका नाम श्रोपनखा नहीं था, उसका नाम था चंद्रनखा। अत्याचार दुराचार रावण के अंदर लालसा बढ़ती गई। ब्रह्मा का वरदान पाया अमर अजय कि कोई भी देवता गंधर्व दानव किन्नर मुझ पर विजय ना प्राप्त कर सके। परंतु इस अभिमान में मैं भूल गया मानव और मानव जाति का नाम देना। बस वही मेरे अंत का कारण बना। चंद्रनखा एक दिन पंचवटी में भ्रमण करने निकली, राम को देखकर मोहित हो गई। उस सूर्यवंशी रघुवंशी राम जिसके छोटे भाई ने मेरी भगनी श्रूपनखा के साथ अपमान किया, नाक कान काट डाले, क्रूर बना दिया। खरदूषण जब प्रतिशोध लेने गए वीर गति को प्राप्त हो गए। बात मुझ तक आई, अब रावण प्रतिशोध तो लेना चाहता था। प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रहा था मैं, किंतु कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। परंतु एक बात तो तय थी, इतिहास बड़ा है, जीवन कम पड़ जाएगा। रावण ने जो ठाना है वो इतिहास बदल कर जाएगा। छोड़ूंगा नहीं राम, तूने मेरी भगनी का अपमान किया है, तुम जो साधारण मानव ने दशानन लंकेश्वर का अपमान किया है, ऐसा घाव लगाऊंगा उन बन के पहरेदारों को, वन वन भटकाऊंगा उन बन के पहरेदारों को। ऐसी बात भी मन में क्यों लाते हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी आत्मा। मेरी आत्मा? दशानन लंकेश्वर की आत्मा? कहो
क्या कहना चाहती हो? जिन्हें साधारण समझने की तुम भूल कर रहे हो वह साधारण मानव नहीं, जिसके एक ही बाण से तारका कर दूषण का वध कर दिया। तो क्या रावण साधारण है जिसने कैलाश को मानव सहित उठा दिया, जिसने पुष्पों के स्थान पर अपने सर को काट काट महादेव के चरणों में अर्पित किया, क्या वो रावण साधारण है जिसकी वीरता का सिक्का सकल ब्रह्मांड पर छाया है, सकल ब्रह्मांड पर, क्या वो रावण साधारण है जिसका एक क्षत्र अधिपत्य है, वो रावण साधारण है? तो क्या इस अधिपत्य का दुरुपयोग करोगे? प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही है मेरे अंदर, मुझे श्रूप नखा का करोड़ दूषण का प्रतिशोध चाहिए, प्रतिशोध। इस कार्य में तुम स्वयं इतने युद्ध हो वही कार्य करोगे? भूल गए मारीच एक तिनके से 100 योजन दूर लंका पहुंचा दिया। मारीच छदम युद्ध में निपुण मारीच, अच्छा याद दिलाया मारीच तू स्वर्ण बन जाना, मैं योगी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरलाऊंगा। नारी हरण जैसा तुझ कार्य करोगे रावण? राम के पास सीता इस प्रकार है जैसे किसी भिखारी के कटोरे में मोल रतन, और राजा का यह प्रथम कर्तव्य है कि उस मोल रतन को अपने मुकुट में सुशोभित करे। सोच लो लंकेश्वर, राम से बैर बांधोगे तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे। सोच किया जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, वृक्ष की चिंता कदापि करने योगी नहीं करते। इस समय इस क्षण क्या निर्णय लेना है केवल उसी का निर्णय के लेना उचित हो जाता है। तो रावण ने निर्णय लिया है कि छल से बल से सीता को लंका की पटरानी बनाएगा। राम जानते हो लंकेश्वर, राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। विष्णु ने मानव रूप में केवल तुम्हारा वध करने के लिए ही त्रेता युग में अवतार लिया है। विष्णु वही विष्णु जो मेरे भय से शील सागर में छिपा बैठा है। कांता है जगत मुझसे, स्वस्थ पृथ्वी मौन है, मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे भरकर कौन है? सोच लो इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे, तुम्हारा कुल समूल नष्ट हो सकता है, राक्षस वंश समाप्त हो सकता है। सोच लिया, भली भांति सोच लिया, दोनों ओर से विजय तो मेरी ही होगी। यदि उस राम को मृत्यु दंड दे दिया तो ये त्रिलोक विजयी रावण त्रिलोक विजयी हो जाएगा, त्रिलोक विजयी। ब्रह्मा महादेव विष्णु पर मैंने विजय पाई होगी, और यदि
और यदि मैं राम के हाथों मारा भी गया तो भी क्या, तो भी क्या, तो भी ये समस्त संसार याद रखेगा कि इस भूलोक पर एक ऐसा योद्धा हुआ जिसे मारने के लिए स्वयं नारायण का रूप में आना पड़ा। मैं अपनी हद से नहीं माना, जीत के मोह में नारायण को नहीं पहचाना, गौरव और अहंकार के चलते अपने छोटे भाई और अपनी भार्य की सलाह नहीं माने, जीत के मोह में जानकी का हरण कर लिया, पंचवटी से गोली चदंबेश में, परिणाम तो भयानक होने ही थे, एक और जगत जननी माँ सीता और दूसरी ओर साक्षात नारायण नर रूप में अर्थात नगन वनवासी के रूप में। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, लंका के अनेकों वीर मारे गए, महाबली महाभट योद्धा वीरपति को प्राप्त हो गए, अक्षय कुमार मकराक्ष विरूपाक्ष शूक और कुंभकर्ण सा बलवान भाई, किंतु मैं विचलित नहीं हुआ, मैं विचलित नहीं हुआ, मैं विचलित हुआ तो अपने इंद्रजीत की मृत्यु पर। वो इंद्रजीत जिनकी धनुष ने संसार की समस्त शक्तियां विद्यमान थी, शक्तियों में जो निपुण था, युद्ध कला में जो पारंगत था, वो एक साधारण वनवासी के हाथों मारा गया। क्रोध की ज्वाला मेरे अंदर दहक उठी, क्रोध की ज्वाला मेरे अंदर दहक उठी, हाँ मैंने इसी क्रोधवश अपने ईश आशुतोष महादेव महाकाल उनको चुनौती दे डाली। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवामि चैतं नमामि। जानते हो महादेव मुझे सबसे प्रिय मेरा इंद्रजीत ही था, और आपने मुझसे मेरा इंद्रजीत छीन कर आज तक इस दृष्टि में माने आपका संगम देखा है, लंकेश्वर का तांडव देखेगी, छिन्न भिन्न करके रख दूंगा मैं ये संसार, जब मेरे इंद्रजीत भी नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। त्रेता से आज तक रावण केवल अपमान ही सहता है, अत्याचारी दुराचारी यहां तक किनारी जोर खाता है, एक मनुष्य तुम में से यहां केवल राम राम ही कहता है, परंतु सच बतलाना क्या तुम में से कोई रावण को भूल पाता है। घमंड है मुझमें, ऐसा होना जरूरी है, रावण होना कोई बच्चों का खेल होती है, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ, तुम सब राम बन जाना, मैं राम ही ठीक हूँ।
विनाशकारी थप्पर खोल, खोल दे यमराज, नरक का द्वार खोल दे, भैरो सावधान हो जा, पिशाचनी अपना रक्त चाहने वाला खोल दे, सर पर सर कट कट गिरेंगे, लाश होगी नाश पर, रक्त के नारे बहेंगे, वेदना आकाश पर, अंतर्मासी, एकोहम, रिद्धोनांती, ना भूतो, ना मृत्यति, अंतर्मासी, हा 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 ह